वेलकम टू केमिस्ट्री अकेडमी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेली नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें पहला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक आपको रिएक्टेंट दिया गया है प्रोपाइन। प्रोपाइन का आप लोगों ने रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ 873 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जो आपके पास कहता है प्रोडक्ट बनेंगे, उस प्रोडक्ट में आपने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनाने बताने, उसमें 21 है, 24, 9 या 18, कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कौन से बनेंगे। जब प्रोडक्ट बनेंगे तो उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो मैं आप लोग को ये रिएक्शन दिखा देता हूँ कि इसमें कितने रिएक्शन होगा कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोपाइन है। जब प्रोपाइन का रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ रिएक्शन करवाते हैं या इसमें से गुजारा जाता है, तो आपके पास जो ए प्रोडक्ट बनती है वो बनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1, 3, 5 ट्राईमिथाइल बेंजीन बनती है। ट्राईमिथाइल बेंजीन बनती है आपके पास, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 21 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके पास, 21 वाला आंसर है हमारे पास ए के, इसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे 21। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। यहाँ पे पहले नंबर पे आपको दिया गया इथाइन है, दूसरे नंबर पे प्रोपाइन है, तीसरे नंबर पे इथीन है और चौथे नंबर पे इथेन है। तो एसिडिटी ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिटी ऑर्डर जो होता है, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा एस्टिक कौन होता है, सबसे ज्यादा एस्टिक ऑर्डर एस्टिक होता है हमारे पास इथाइन। इथाइन के बाद दूसरे नंबर पे होता है प्रोपाइन, फिर अल्कीन और लास्ट पे होता है हमारे पास अल्केन। यानी कि एसिडिटी ऑर्डर जो होता है वो सबसे पहले नंबर पे होता है अल्काइन का, अल्काइन के बाद होती है हमारे पास अल्कीन और लास्ट पे होता है हमारे पास अल्केन। क्योंकि ये दोनों मेंबर ही अल्काइन के हैं तो इसलिए ये दोनों के दोनों पहले नंबर पे आएंगे, उसके बाद अल्कीन और लास्ट पे आएगा अल्केन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कहता है प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास प्रोपाइन है, प्रोपाइन का वाटर के साथ और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो इंटरमीडिएट भी बताना है और प्रोडक्ट भी बताने के कौन से होंगे। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कौन कौन से दिए गए, तो मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास प्रोपाइन है, प्रोपाइन का जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4, तो आपके पास ए होता है, जो ए है वो इंटरमीडिएट बनता है, इसको हम बोलते हैं इनोल, ठीक है। इनोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और अल्कोहलिक पार्ट भी आ रहा है। ये हो गया इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट का अगर टॉटोमरिज्म होता है तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है प्रोपेनोन। क्वेश्चन की समझ आ गई, यानी कि इंटरमीडिएट ए जो होगा इनोल होगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो होगी वो प्रोपेनोन होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी देखें आप, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास इनोल हो गया, ठीक है, और ये आपके पास एक प्रोपेनोन हो गया, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग कार्बेनियन। कार्बेनियन किसको कहते हैं, जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको कार्बेनियन आयन बोलते हैं, ठीक है। इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, कहते हैं इसके पास जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये जो आपको दिया गया कार्बेनियन आयन, वो इलेक्ट्रॉन पेयर किस ऑर्बिटल में आएगा, sp, sp2, sp3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो sp ऑर्बिटल में होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है इन द रिएक्शन। यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया इथाइन है, इथाइन का रिएक्शन करवाना आपने NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ, तो और दूसरे नंबर पे जो करवाना आपने रिएक्शन उसका इथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो आपके पास एक्स कोई प्रोडक्ट बनेगी। उस प्रोडक्ट का फिर से आपने रिएक्शन करवाना है NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ, और उसका दोबारा से रिएक्शन करवाना आपने Cl3Cl2Br यानी कि इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो आपने बताना है कि वाई प्रोडक्ट कौन सी होगी, पहले बताना है कि एक्स कौन सी होगी, फिर उसके बाद बताना है वाई प्रोडक्ट कौन सी होगी। तो ये क्वेश्चन नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं आप लोग को रिएक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप रिएक्शन देखें, ये वाला आपको जो इथाइन दिया गया है, इथाइन का रिएक्शन जब करवाते हैं हम लोग NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ, तो आपके पास बनता है सोडियम एस्टेलाइड। सोडियम एस्टेलाइड के जब आप लोग इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1-ब्यूटाइन बनेगी। तो इसका मतलब जो एक्स होगा वो 1-ब्यूटाइन होगा, उसका दोबारा 1-ब्यूटाइन का फिर से हम लोगों ने लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना है तो ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, और इसका अगर फिर से Cl3Cl2Br के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास 3-हेक्साइन बनेगी। यानी कि एक्स बनेगा 1-ब्यूटाइन और वाई बनेगा हमारे पास 3-हेक्साइन। देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन देखें आप लोग, सी ऑप्शन में क्या है कि एक्स जो है वो 1-ब्यूटाइन है
और वाई के हमारे पास 3 हेडजाइन है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को वीडियो की समझ आ गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।